पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 3:30 बजे 1000 विस्फोटक पीओके के आतंकी ठिकानों पर गिराए गए। इस कार्रवाई के बाद सीमा के दोनों तरफ तनाव बढ़ गया है और अब वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। इस कार्रवाई में भारत ने अपने लड़ाकू विमान मिराज 2000 का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि मिराज 2000 विमान वो शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जो युद्ध के क्षेत्र में पलक झपकते ही दुश्मन देश की तस्वीर बदल देता है। जानिए क्या है मिराज 2000 विमान की खासियत। मिराज 2000 एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। इस विमान को वज्र नाम दिया गया। ये वायुसेना का प्राइमरी फाइटर प्लेन है। ये विमान दुश्मन के इलाके में लेजर गाइडेड बम से भी हमला करने में काबिल है। इस समय भारतीय सेना के पास 51 मिराज विमान है। ये एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। मिराज 2000 विमान की लंबाई 47 फीट और इस खाली विमान का वजन 7500 किलो है। विमान 2000 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दागता है और 68 मिमी के 18 रॉकेट प्रति मिनट दागता है। ये विमान ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुना तेज है और ये एक साथ कई निशानों पर वार कर सकता है। ये उन निशानों पर भी सटीक वार कर सकता है जो उनकी विजुअल रेंज में नहीं है। मिराज 2000 की अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिराज 2000 विमान फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने राफेल को बनाया है, जिसे लेकर भारतीय राजनीति आज भी गरमाई हुई है। मिराज 2000 चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। इसकी पहली उड़ान साल 1970 में आयोजित की गई थी। ये फाइटर प्लेन अभी लगभग 9 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। हालांकि इसमें समय समय पर अपडेशन का काम किया जाता रहा है। साल 2009 में लगभग 600 से ज्यादा मिराज 2000 दुनिया भर में सर्विस में है। भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित लगभग 51 मिराज 2000 विमान के एक बेड़े को अपडेट करने के लिए फ्रांस से $1.9 बिलियन का समझौता किया गया। जून 2011 में यह ऐलान किया गया कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी CCS ने भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 के अपडेशन पर विचार करेगी, जिसके बाद ये समझौता किया गया था। मिराज 2000 एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। इस विमान को वज्र नाम दिया गया। ये वायुसेना का प्राइमरी फाइटर प्लेन है। ये विमान दुश्मन के इलाके में लेजर गाइडेड बम से भी हमला करने में काबिल है। इस समय भारतीय सेना के पास 51 मिराज विमान है। ये एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। ये विमान 1985 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था। मिराज वही लड़ाकू विमान है जिसने कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे।